मोटर और डीसी जनरेटर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्मेचर की, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है आर्मेचर। आर्मेचर में जैसे आपने ये भाग देखे हैं और कम्यूटेटर देखा है आपने, तो कम्यूटेटर के जो सेगमेंट हैं और ये वाइंडिंग जो करके रखी है, सबसे महत्वपूर्ण भाग जैसे जनरेटर हो तो वोल्टेज पैदा करने का काम करता है और मोटर है तो इसमें टॉर्क पैदा करने का काम करता है। तो दोनों ही काम में आर्मेचर का बहुत बड़ा योगदान है। तो आर्मेचर बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। और इस भाग को समझने के लिए आर्मेचर के अंदर जैसे ये स्लॉट बने हुए हैं और इसमें से कॉइल की वाइंडिंग करके लीड वायर कम्यूटेटर पे जोड़ते हैं। कम्यूटेटर को थोड़ा सा आप गहराई से समझना है कि कम्यूटेटर में इनको कहते हैं आपके सेगमेंट, कम्यूटेटर खंड। कम्यूटेटर खंड के बाद में यहाँ एक उभरा हुआ हिस्सा है, कम्यूटेटर खंड का राइजर। कम्यूटेटर खंड का राइजर जो उभरा हुआ भाग है, जब राइजर के ऊपर इन कॉइलों के कनेक्शन होते हैं। तो कॉइलों के कनेक्शन कहाँ होंगे? कम्यूटेटर के राइजर वाले भाग में, कम्यूटेटर सेगमेंट के राइजर जो ऊपर उठा हुआ जो भाग है उसके अंदर इसके कनेक्शन होंगे। और वो वहाँ आपके या तो सोल्डरिंग किया जाएगा या फिर इसको प्रेस करके, इसको कनेक्शन करके प्रेस किया जाता है ताकि इसे कॉन्टैक्ट बराबर बन जाए। और पूरी वाइंडिंग करने के बाद इनके जो लीड वायर को आगे एक धागे से बांधा जाता है। ये रोटेटिंग पार्ट है, मतलब घूमने वाला भाग। जब आपका आर्मेचर गोल घूमता है, जो गोलाकार अगर आपको इसको घुमाया जाए, तो अगर इसमें कहीं पर भी वजन ज़्यादा होगा, एक तरफ वजन कम पड़ गया, एक तरफ वजन ज़्यादा हो गया, तो ये मशीन कंपन न करेगी। तो आर्मेचर में जो भी हिस्सा है, जो घूमने वाला भाग है, मतलब आर्मेचर पूरा पूरा घूम रहा है, तो आर्मेचर में वाइंडिंग करने के बाद हमें वजन भी ध्यान में रखना है कि वेट चारों ओर बराबर होना चाहिए। इसका वजन चारों ओर बराबर होना चाहिए, इसके लिए वेट बैलेंसिंग मशीन से उसको बैलेंस किया जाता है। अगर किसी हिस्से के अंदर आपके वेट ज़्यादा आ रहा है, कि किसी भाग के अंदर वजन कम है, वाइंडिंग के कनेक्शन सही हैं आपके, कनेक्शन बिल्कुल सही है, सब कुछ सही होने के बाद भी अगर इस आर्मेचर के किसी एक हिस्से के अंदर आपका वजन ज़्यादा होगा तो मशीन कंपन न करेगी। इसके लिए आर्मेचर में क्या करते हैं, जहाँ पर वजन ज़्यादा है वहाँ पर ये ड्रिल करके मटेरियल को काटा गया है। थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर देखना, यहाँ पर ये ड्रिलिंग करके मटेरियल को काटा गया है। यहाँ ये कुछ हिस्सा ऐसा है कि जिसमें भाग में काटा गया है। जैसे आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि आर्मेचर में ये खड्डे क्यों किए गए हैं, यहाँ ड्रिल क्यों चलाई गई है? तो ड्रिल इसलिए की गई कि यहाँ इस हिस्से के अंदर जो है वो वजन ज़्यादा था, वजन को कम करना है हमें। या कहीं किसी किसी आर्मेचर में कुछ ऐसा भी भाग मिलेगा, जैसे ये तो भाग यहाँ काटा गया है, किसी में लोहे की जो पत्ती या एक मेटल की सीट इसमें डाली जाती है, मेटल का हिस्सा भी कुछ डाला जाता है जहाँ वजन बढ़ाना पड़ता है, तो वजन को कभी बढ़ाया भी जा सकता है। क्योंकि इसका भाग में चारों ओर बराबर बैलेंस होना चाहिए, वजन बराबर होना चाहिए, तो ये मशीन कंपन नहीं करेगी। अगर एक हिस्से के अंदर वजन बढ़ गया तो आर्मेचर वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो ये आर्मेचर के लिए विशेष सावधानी ये है। दूसरा, अब आर्मेचर की वाइंडिंग, कल जैसे आपने पढ़ा था, आर्मेचर की वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, एक तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। लैप और वेव दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। लैप वाइंडिंग वो होगी जैसे आपने इस कॉइल में जैसे कनेक्शन कर दिए, ये एक आर्मेचर हमने बांधा है। बांधने के बाद उस कॉइल के जो लीड वायर हैं, ये सारे लीड वायर हैं, लीड वायर को क्या करना है, किस जगह फिट करना है, कम्यूटेटर के राइजर वाले हिस्से में सोल्डरिंग करनी है, इसे कनेक्शन करना है। अब ये जो लीड वायर, एक कॉइल के दोनों लीड वायर दोनों पास पास सेगमेंट पे आते हैं तो वो लैप वाइंडिंग होगी। लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, इसकी वाइंडिंग दो प्रकार की। लैप वाइंडिंग मतलब एक सिरा आपका इस खंड में है, दूसरा इसके पास वाले सेगमेंट पर है, तो आपका लैप वाइंडिंग हो गया। और एक सिरा आपका इस तरफ है, दूसरा 6 सेगमेंट छोड़ करके या 10 सेगमेंट छोड़ करके ना दोनों तरफ साइडों से फैले हुए लीड वायर है, तो वो वेव वाइंडिंग हो गई। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, ये दो प्रकार की वाइंडिंग हो गई। अब इस वाइंडिंग के आधार पर
इस वाइंडिंग के आधार पर कार्बन ब्रश के सेट भी बनाए जाते हैं। कार्बन ब्रश के सेट कितने लगाने चाहिए ये आपको देखना है कि अगर लैप वाइंडिंग है तो जितने पोल होंगे उतने कार्बन ब्रश होंगे, उतने ही पैरेलल रास्ते होंगे, करंट के समानांतर रास्ते। करंट, मैंने कहा कि लैप वाइंडिंग कहाँ की जाती है, लैप वाइंडिंग कहाँ की जाती है, जहाँ अधिक करंट की आवश्यकता हो। आर्मेचर में लैप वाइंडिंग जहाँ अधिक करंट की आवश्यकता होती है वहाँ पर की जाती है। और वो अधिक करंट कैसे प्राप्त करते हैं कि हमारे यहाँ पर दो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, ठीक है, दो के बजाय इन दो के बजाय चार कार्बन ब्रश लगा दें और दो दो को पैरेलल जोड़ दें। माना कि एक कार्बन ब्रश से 6 एम्पियर जा रहे हैं तो दूसरे कार्बन ब्रश में भी 6 जाएं, दोनों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे, 12 एम्पियर। पैरेलल में करंट डबल हो जाती है, पैरेलल में करंट डबल हो जाती है। इसलिए करंट के समानांतर रास्ते बना दो। अगर चार पोल हैं तो चार जगह कार्बन ब्रश के चार सेट लगा दो, ठीक है। ऐसे अगर 6 पोल हैं तो 6 पैरेलल रास्ते हो जाएंगे तो करंट अधिक हो जाएगी। तो जितने पोल होंगे उतने ही करंट के पैरेलल रास्ते होंगे। ये होता है लैप वाइंडिंग में। और वेव वाइंडिंग में पोल चाहे कितने ही हो, कार्बन ब्रश सिर्फ 2 ही होंगे। अब आप किसी मोटर का ढक्कन खोल के देखें, माना कि इस मोटर का ढक्कन खोल के देखेंगे, अगर 2 ही कार्बन ब्रश हैं, 2 कार्बन ब्रश होंगे तो वो वेव वाइंडिंग होगी। अगर 4 पोल हैं और 4 कार्बन ब्रश लगे हैं तो वो लैप वाइंडिंग होगी, क्योंकि वो अधिक करंट के लिए की गई है। तो जितने पोल होंगे उतने ही पैरेलल के रास्ते बनते हैं लैप वाइंडिंग में। अब वो लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग पढ़ने के बाद फिर इसमें भी 3-3 वेराइटी है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब ये हो गया कि जितने इसके स्लॉट हैं, ये स्लॉटों की संख्या, जितने स्लॉटों की संख्या होगी उतने ही ये कम्यूटेटर के सेगमेंट हैं तो वो सिंप्लेक्स होगा। अगर जितने स्लॉटों की संख्या है उसके दुगुने सेगमेंट हैं तो डुप्लेक्स वाइंडिंग होगी। और इसके जो सेगमेंट, ये स्लॉट हैं, उसके 3 गुना सेगमेंट होंगे तो ट्रिप्लेक्स होगा। तो सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स, ये 3 प्रकार की वाइंडिंग है। अब तीनों के कॉइलों के कनेक्शन कैसे होते हैं थोड़ा सा ये अपन देखते हैं, बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा कॉइल के कनेक्शन करके फिर देखते हैं सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं। लैप और वेव का आइडिया आपको मालूम पड़ ही गया। लैप वाइंडिंग वो होती है जिसमें कॉइलों के कनेक्शन दोनों पास पास के सेगमेंट में होंगे। वेव वाइंडिंग वो होगी जिसमें दोनों के विपरीत दिशा में कॉइल के दोनों लीड वायर एक दूसरे के दूर दूर होंगे, तो वो वेव वाइंडिंग हो गई। इसके साथ साथ एक वाइंडिंग में और भी विशेषता है कि आर्मेचर के घूमने की दिशा, आर्मेचर के घूमने की दिशा में अगर वाइंडिंग की जाती है, जैसे क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे आप वाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग करके अगली कॉइल प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते हुए आप लेफ्ट से लेकर के और राइट किस तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर चलते हैं तो वो वाइंडिंग कहलाएगी आपकी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो एक कॉइल जैसे बनाई और दूसरी कॉइल अगर आगे वाले स्लॉट में लेंगे राइट हैंड साइड में और फिर आप लीड वायर निकालेंगे तो वो आपका प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहलाएगी। मतलब एक लीड वायर दूसरी लीड वायर के और आगे बढ़ता हुआ है। अगर आप एक कॉइल बनाएं और दूसरी कॉइल पीछे की तरफ जाएं तो वो रिट्रोग्रेसिव हो गया, रिप्रोग्रेसिव मतलब उल्टा चला, रिट्रोग्रेसिव, RETRO, रिट्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव तो वो है जो आगे बढ़ता हुआ लेफ्ट से राइट की ओर। और अगर आपका राइट से लेफ्ट की ओर जा रहा है, एक कॉइल आपने ऐसे बनाई फिर दूसरी कॉइल इस तरफ बढ़ गए तो वो आपका हो गया रिट्रोग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव ये भी 2 वेराइटी के वाइंडिंग होती है। तो आर्मेचर का थोड़ा सा विशेष महत्व है डीसी मोटरों में खास तौर से। तो आपका ये वाइंडिंग का भी ध्यान रखना है, प्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव और लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स में क्या क्या विशेषता होती है, क्या क्या अंतर पड़ता है इसमें। दूसरी बात ये कि कार्बन ब्रश की मोटाई, अगर सिंप्लेक्स है तो 1 सेगमेंट के बराबर, डुप्लेक्स वाइंडिंग है तो 2 सेगमेंट की मोटाई के बराबर कार्बन ब्रश होगा, और ट्रिप्लेक्स है तो 3 सेगमेंट के बराबर। ऐसे ही आपके ये होते रहेंगे। अब जैसे कॉइलों के कनेक्शन कैसे होते हैं वो अपन बोर्ड पे देखते हैं।